धार जिले के मांडव में निजी प्रवास में आए महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी, जिन्होंने पूरा मांडव भ्रमण किया, वहीं चतुर्भुजी राम मंदिर मांडव के दर्शन भी किए। वहीं राम मंदिर महंत 1008 त्रिलोकी दास महाराज जी से मुलाकात की, वहीं चतुर्भुज श्री राम के बारे में बताया। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, एक शांति सा माहौल लगा। वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ से मैं महिला की नगरी महेश्वर भी जा रही हूँ। मांडव से विनीत यादव की रिपोर्ट। मांडव पधारी हैं, क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं, मांडव घूमने के लिए आए हैं, और दो तीन दिन के प्रोग्राम सिंधिया जी के भोपाल में थे, कल इंदौर में था, तो 8 बजे वो निकले, अब फिर बारिश को फिर लौट के आ रहे, तो हमने कहा एक दो दिन का फालतू जाए, अपन चलो घूमे चले, तो मांडव इस वजह से घूमने के चक्कर में मांडव है, महेश्वर भी जाएंगे कल। आपको मांडव राम मंदिर में आपने दर्शन किया, आपको कैसा लगा है आपको दर्शन? अच्छा, जहाँ भगवान विराजे हों वहाँ तो आमादमी सबको अच्छा लगता है। मैडम, आप प्रदेश सरकार की एक महिला मंत्री हैं, परसों प्रदेश सरकार ने एक कैबिनेट में मंजूरी दी कि पिछड़ा वर्ग और आरक्षित वर्ग की महिला जो रेप पीड़ित होंगी उनको 1 से 8 लाख रुपया दिया जाएगा, तो क्या अब सरकार रेप पीड़ितों में भी जाति पाति का भेदभाव करेगी? जो भी मुख्यमंत्री जी और सदन ने जो कहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, होगा तो सब महिला सब बेटियों को बराबर का हक होगा, अगर कह दिया होगा तो मुझे। मैडम सिंधिया जी, अभी आप खास मानी जाती हैं उनकी कैंप की, अभी भोपाल आए थे, अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि मुझसे सरकार कभी कोई प्रश्न पूछती नहीं है ना कोई राय लेती है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लानिंग है जो सरकार आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, तो आपको क्या लगता है कि अच्छे नेतृत्व को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है प्रदेश में? कोई दरकिनार नहीं किया जा रहा, श्रीमान ज्योतिराव सिंधिया तो नेता थे और नेता रहेंगे, कोई पद से नेता नहीं होता, अपनी मेहनत अपनी लगन अपने कार्य से नेता होता है, तो इस तरीके के सिंधिया जी हैं और सम्मानीय हमारे कमलनाथ जी और सिंधिया जी और हमारे सभी मध्य प्रदेश के नेता अच्छे मिलकर सरकार चला रहे हैं, हम 5 साल अपनी सरकार चलाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।